हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से आप अपने वोटर आईडी में डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए आपको कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम सीख लेते हैं किस तरह से आप अपने वोटर आईडी में डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपने वोटर आईडी में डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए आप कोई भी क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, उस पर टाइप करेंगे nvsp.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहां से आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आप यहाँ लॉग इन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है, आपके पास यूजर पासवर्ड है, तो ऊपर यूजर डालेंगे, नीचे पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चर कोड यहाँ फिल करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लेकिन अभी तक आपने कोई अकाउंट नहीं बनाया है, आपके पास कोई यूजर पासवर्ड नहीं है, तो नीचे आप देखेंगे रजिस्टर एज ए न्यू यूजर, इस पे क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, ये कैप्चर कोड यहाँ डालेंगे, सेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल चालू कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि उस पे ओटीपी आएगा। मोबाइल पे जब ओटीपी आएगा तो ओटीपी नंबर यहाँ डालेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ नीचे देखेंगे आई हैव एपिक नंबर, इस पे टिक करेंगे। एपिक नंबर के सामने आप अपना वोटर आईडी नंबर डालेंगे, यहाँ ईमेल डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, यहाँ से अपना पासवर्ड कंफर्म करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ फॉर्म, फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए। आप यहाँ फॉर्म एड पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपने खुद के वोटर आईडी में डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं तो सेल पे टिक करेंगे। अगर आप किसी फैमिली मेंबर के वोटर आईडी में डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं तो फैमिली पे टिक करेंगे। हम अभी सेल पे टिक कर रहे हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले हमें अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज आप हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम हिंदी कर लेते हैं। नीचे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप अपना विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप अपना नाम इंग्लिश में लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना नाम हिंदी में आ जाएगा। नीचे आप अपना सरनेम लिखेंगे, यहाँ पर आपको सरनेम इंग्लिश में लिखना है, उसके सामने आपका सरनेम हिंदी में आ जाएगा। अगर आपका नाम हिंदी में सही नहीं आता है तो सामने ये कीबोर्ड दिया गया है, यहाँ से आप अपना नाम लिख सकते हैं, या फिर गूगल इनपुट टूल या फिर गूगल ट्रांसलेट में जाकर लिख कर वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ हम नीचे देखेंगे निर्वाचन संख्या आ जाएगा, उसके बाद क्रम संख्या आ जाएगी, नीचे आपका वोटर आई डी नंबर आ जाएगा। हमें डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, इसलिए जन्म तारीख पर टिक करेंगे। नीचे आपको नाम, उपनाम, मकान संख्या, पिन कोड, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है। इसके लिए आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नीचे आप देखेंगे आयु प्रमाण, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे और अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे आप यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, स्थान के सामने जिस स्थान से ये फॉर्म आप फिल कर रहे हैं उस स्थान का नाम लिखेंगे, जिस तारीख को ये फॉर्म आप फिल करेंगे वो तारीख अपने आप आ जाएगी, ये कैप्चर कोड यहाँ फिल करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली सबमिट होते ही आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। आप रेफरेंस नंबर की मदद से वोटर आईडी एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ आएंगे होम पे, उसके बाद आप देखेंगे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, क्लिक करेंगे, इंटर रेफरेंस आईडी के सामने आप रेफरेंस आईडी डालेंगे, ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपने जिस तारीख को सबमिट किया वो तारीख आ जाएगी। अगर आपका ये फॉर्म एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है या फिर रिजेक्ट होता है वो भी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आप सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी की वैकेंसी देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वेबसाइट के, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वहां पर आपको हर रोज नई नई सरकारी और प्राइवेट नौकरी की संबंधित सारी जानकारी और वैकेंसी आपको वहां से मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।